जयपुर और दिल्ली का जब से बस स्टाप आया है, जब से जाम समस्या ज्यादा बढ़ गई है। हम अपने घर मकान से जा रहे हैं तो वो सड़क पे आके मरेगा, मारकाट मचेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। हाईवे के लिए तो PWD का तो घटिया घाट वाला रोड है, उसको चौड़ा करिए। बाकी और किसी से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। समस्या रखी थी तो उन्होंने कहा जो आप लोगों को जानकारी नहीं है, वो 110 फुट की रोड है और वो तो मास्टर प्लान के अंदर आती है। फर्रुखाबाद में एक तरफ जहां अमृत महायोजना का विरोध दिन दिन मुखर होता जा रहा है, योजना में सड़कों की चौड़ाई से हजारों घर पर संकट के बादल नजर आ रहे हैं, जिसको बचाने के लिए लोग जिलाधिकारी कार्यालय की परिक्रमा करने में लगे हैं, लेकिन फिलहाल राहत का रास्ता अभी तक तो साफ होता नहीं दिख रहा है। इसी क्रम में कादीगेट से लोकुला मार्ग की चौड़ाई न बढ़ाने की मांग यहाँ के लोग भी लगातार करते आ रहे हैं, जिसके लिए इन लोगों ने जिलाधिकारी, सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख आदि सभी जनप्रतिनिधियों के दरवाजों पर अपनी गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि यह कोशिश कितनी सफल होती है, कितनी सार्थक होती है। दरअसल पिछले दिनों अतिक्रमण अभियान में राजस्व लेखे जोखे के अनुसार कादरीगेट से लोकुला मार्ग पर 15 मीटर के हिसाब से नगर मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई कराई थी, जिसमें सड़क के मध्य बिंदु से दोनों तरफ 7.5 मीटर के हिसाब से अतिक्रमण हटा दिया गया था और बाकी कुछ अतिक्रमण लोगों ने अपने आप खुद हटा लिया था। अब जब मास्टर प्लान का नक्शा जनता में सार्वजनिक किया गया तो उसमें यह सड़क 30 मीटर प्रस्तावित की गई है, जिसका विरोध किया जा रहा है। यहां के बासिंदों ने कहा है कि नगर मजिस्ट्रेट द्वारा अभी इसी सड़क को 15 मीटर के हिसाब से हटवाया गया था, सभी अपना अतिक्रमण हटा भी चुके हैं, लिहाजा अब यदि यह मार्ग 30 मीटर किया जाता है 15 मीटर से बढ़ाकर तो बहुत से लोग बेघर हो जाएंगे, लोगों की पूरे मकान चले जाएंगे। हमने यहाँ के लोगों से एक एक करके बात की है, उन लोगों ने अभी तक कितनी कार्रवाई की, किन किन लोगों से मिले हैं और उनको क्या क्या परेशानियाँ हैं। आइए सुनते हैं यहाँ के लोगों की क्या क्या राय है। जी, हमारी सड़क को लेकर सिर्फ इतनी ही मांग है, सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा इस पर जितनी कार्रवाई की गई थी और आप देख भी सकते हैं मौका पर, उस पर सारी कार्रवाई पे कार हो भी चुका है, तो 15 मीटर की कार्रवाई टोटल की गई थी, वही कार्रवाई रखी जाए, उसी पे ही सारा काम किया जाए, यही हमारी मांग है। हम लोग खुश हैं और नहीं तो इसके अलावा अगर ज़्यादा ली गई तो तमाम लोग बेघर हो जाएंगे। 15 मीटर हो चुकी, 7.5 एक तरफ, 7.5 एक तरफ। अब इस चीज़ की आपत्ति है कि नए नक्शे में ये मांग हुई है कि एक तरफ 15 कर दिया गया, मिला के 30 मीटर कर, उसमें क्या है, यहाँ के जो रोड के बाशिंदे हैं पूरे पूरे मकान चले जाएंगे, मरने और मारने में मजबूर हो जाएंगे। जब आदमी घर मकान नहीं रहे तो वो क्या करेगा, उसके आगे एक ही रास्ता है, मरो या मारो। इसलिए आदमी इतना परेशान है कि जिसने घर में मतलब रोटियाँ नहीं चलें, रातों में नींदें नहीं आ रही, बच्चे रो रहे हैं और जितना टूट जाएगा उसी में आदमी बहुत परेशान है कि रातों में मतलब चोरियां हो रही हैं, जिनके टूट गए हैं परेशान हैं, तो इसमें तो आदमी बिल्कुल बेघर हो जाएगा। हम लोग कम से कम बाप दादों के ज़माने रहने 50 सालों से पहले के रह रहे हैं, बुज़ुर्गों की जो मतलब ये घर मकान है हम लोगों को मालूम तक नहीं है कि मेरे पापा के हैं, बाबा के हैं, किसके हैं, हम लोगों तो कम से कम 40-50 साल मेरी उम्र है। तो इसलिए मैडम से हम लोगों ने कहा, मैडम ने ये भी कहा कि चलो 7.5 हमने लिया वो ही लेंगे, आगे और ज़्यादा अगर लिया गया तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, आगे बरसात का टाइम है और तकलीफ़ बढ़ जाएगी। हमारी मांग यही है कि जो 30 मीटर नक्शे में दर्शाया गया है ये बहुत ज़्यादा है, और जो सिटी मजिस्ट्रेट महोदया ने 15 मीटर लिया था, 7.5 इधर, वो अतिक्रमण हम लोग हटा चुके, तोड़ चुके हैं, अब सफाई हो गई है, तो यही मांग है कि ये 15 ही रखा जाए जो हम लोग यहाँ पर आबाद रह सकें, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। नहीं, जाम की समस्या रहती है, जब यहाँ पर जो चौड़ा रोड हो जाएगा तो जाम की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, ये बन जाएगा तो कोई दिक्कत ही भी नहीं रहेगी, तो बहुत है। जयपुर और दिल्ली का जब से बस स्टाप आया है, जब से जाम की समस्या ज़्यादा बढ़ गई है, अब वो जब से ये टूट फूट हुई है जब से वो यहाँ से स्टाप बैठ गया, अब ऐसी कोई विशेष जाम की समस्या नहीं है। और दूसरी बात यह है कि रोड भी चौड़ा हो गया है, इसलिए जाम की समस्या अब कोई खास नहीं है। ये यहाँ पे सब गरीब तबके के लोग रहते हैं, छोटा अपना रोजगार करते हैं, छोटा रोजगार करते हैं और सब अपना किसी तरीके रोजी रोटी चलाते हैं,
अगर यहाँ अतिक्रमण 30 मीटर जैसे बताया गया है, इससे पहले 15 मीटर का था, जिसमें नगर मजिस्ट्रेट जी ने 14.5 कट के एक्यूरेट कर दिया था और उन्होंने कह दिया आप नियम के तहत आप लोगों का मार्केट बन जाएगा, आप अपने लोग आप अपना स्वेच्छा से व्यापार कर सकते हैं। अब बात ये आ रही है 30 मीटर काटने की, 30 मीटर में इन लोगों के मकान भी जा रहे हैं, दुकान भी जा रही है और व्यापार से भी जा रहे हैं, सड़क पे आ जाएंगे और सड़क पे आ जाएंगे तो आदमी क्या करता है क्या नहीं करता, जब मरने के लिए निकला है सड़कों पर मरना है, मरना एक बार है, तो जब रोजी रोटी से जा रहे हैं हम अपने घर मकान से जा रहे हैं तो वो सड़क पे आके मरेगा, मारकाट मचेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इसलिए हम नगर मजिस्ट्रेट से ये कहना चाहते हैं कि जनता को ध्यान में देते हुए, इनकी रोजगार को देखते हुए, इनकी समस्याओं को देखते हुए अपना दिशा निर्देशन दें और यहाँ पे आगे फर्दर कोई कार्रवाई ना हो, जो जैसा है एडजस्ट रहना चाहिए। जी अंदर जो मेन रोड है शहरी क्षेत्र में वो 13 मीटर तोड़े गए हैं, तो यहाँ कौन सा हाईवे है कौन सा, ये भी संपर्क मार्ग और बस्ती के अंदर है, नगर पालिका बस्ती में है जो भी है, तो ये तो जास्ती होगी हम लोगों के साथ में जो यहाँ 30 मीटर और फलाना जी किया गया है, तो बहुत गलत है। तो हाईवे लिंक हाईवे के लिए यहाँ से कौन सा हाईवे के लिए, ये तो संपर्क मार्ग है हाईवे के लिए, तो PWD का घटिया घाट वाला रोड है उसको चौड़ा करिए, तो संपर्क मार्ग है और जो नगर पालिका बस्ती के अंदर है तो गलत है ना, ये जब मेन रोड जो अंदर वाली हैं तो उनको 13 मीटर लिया गया, तो ये भी नगर पालिका शहरी क्षेत्र में है, तो अब तक DM और विधायक सांसद और ब्लॉक प्रमुख लगभग सभी से मिल चुके हैं, अभी सिटी मजिस्ट्रेट केवल मिलना रह गया, बाकी लगभग सबसे मिल चुके हैं। भरोसा अभी तक जो सही बढ़िया बात जो कही है सिटी मजिस्ट्रेट ने, इससे बढ़िया किसी ने बात नहीं कही, उन्होंने कहा कि जितना हमने तोड़ा है उसी को हम उसमें समायोजित करेंगे, बाकी और किसी से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। नहीं कुछ नहीं, हमारा कहने का मतलब ये सांसद जी से मिलने गए थे तो इन्होंने बताया था अपनी समस्या रखी थी, तो उन्होंने कहा जो आपको लोगों को जानकारी नहीं है वो 110 फुट की रोड है और वो तो मास्टर प्लान के अंतर्गत आती है, तो उसमें तो कुछ होना नहीं है, तो ये तो न्याय संगत नहीं है कि जिन गरीबों का एरिया है और सब लोग रहते हैं अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, और अगर ऐसी समस्या आती है तो ये विधायक और सांसद के लिए भी अपमानित बात है कि हम लोग बेरोजगार हो जाएं और रोजी रोटी के लिए चले जाएं और वो लोग कुछ करें ना, उनका पहले दायित्व होता है कि जनता के लिए हित में काम करें। उन्होंने आश्वासन तो दिया कि आपकी बात को हम पहल करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और जहाँ तक होगा भरसक आपका हित होगा, इतना आश्वासन दिया है सांसद जी। हाँ, भाजपा जिला अध्यक्ष रूपेश गुप्ता जी से भी हम लोगों ने बात की थी, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया, उन्होंने कहा है कि जितनी कार्रवाई की गई है उसी पे ही क्या नाम DM साहब से बात करेंगे कि उतना ही रखा जाए, क्योंकि ये नगर पालिका में रोड है और दूसरा ये बहुत पुराना रोड है और देखा जाए तो यहाँ पे 7.5-7.5 की कार्रवाई हुई है, लेकिन लकूला से आगे जो कार्रवाई हुई है वो उसको हाईवे को देखते हुए हुई है, तो जिला अध्यक्ष जी ने तो पूरा आश्वासन दिया है कि इतना ही रहेगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, और विधायक जी ने भी पूरा आश्वासन दिया था और बात करेंगे इस पर चर्चा करेंगे, DM साहब ने भी कहा है, और अभी हम लोग नगर मजिस्ट्रेट से जो है वो मिले नहीं है बट कॉल द्वारा बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा कि जितने पे कार्रवाई की गई जो मानक तय हुए हैं उसी मानक के हिसाब से इस पर कार्य किया जाएगा, तो संतुष्टि पूरी मिली है, और अभी आज या कल में, आज तो नहीं लेकिन कल या परसों में हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट से भी डायरेक्ट जो है अपना पूरा एप्लीकेशन दे के बात रखेंगे, और उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि क्या संतोषजनक उन्होंने मुझको जवाब दिया है।